बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज किस क्लास में मैं आपके लिए राजस्थान जीके का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 10 टॉपिकों से 50 इंपोर्टेंट प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, उनके ओवरऑल फिर आपको जवाब इनको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान एक परिचय से संबंधित, भौतिक प्रदेश, नदियां, झीले, बांध, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मृदा, वनस्पति और अभ्यारण, इनसे संबंधित मैं आपसे 50 इंपोर्टेंट प्रश्न पूछूंगा जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में बनने लायक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर को औद्योगिक शहर कहते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है, तो वो शहर है दोस्तों कोटा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोटा शहर को अपने राजस्थान के औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक शहर के अलावा इसको नंदग्राम भी कहा जाता है और शिक्षा नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का कानपुर तो कहा ही जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो बीकानेर का दोस्तों प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो था जांगल। क्या था? जांगल, याद रहेगा, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल था। ठीक है, और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सीवी। क्या बताओगे? सीवी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि राजस्थान राज्य की आकृति क्या है। राजस्थान राज्य की आकृति है, तो राजस्थान राज्य की आपसे आकृति पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों विषमकोणीय, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, विषमकोणीय, ठीक है, ये बतानी है, विक्रमकोणीय हो गया, विषमकोणीय है। ठीक है, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, इसकी जो राजस्थान की जो आकृति है वो होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होगी? विषमकोणीय। क्या होगी? विषमकोणीय चतुर्भुज, यानी कि रोमबास की आकृति। किसकी? रोमबास आकृति की। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? बिल्कुल राजस्थान राज्य ही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपको भी पता है। ठीक है, कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ये नहीं है, तो अगले ऑप्शन में देखें तो ये मिल गया। ठीक है, 342,000, तो 342,239 वर्ग किलोमीटर अपने राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यह आपको पता होगा, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आकल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आकल वुड फॉसिल पार्क अपने राजस्थान के दोस्तों किस जिले में है? जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी कि राजस्थान में जो थार मरुस्थल से प्रभावित जो क्षेत्रफल है वो तो कितना है और उसमें जनसंख्या निवास कितने परसेंट करती है वो आपको बताना है दोस्तों। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें थार मरुस्थल का, तो वो है 61%। ठीक है, और 61% में 40% अपने जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यानी कि 100 में से 40% जनसंख्या 61% में निवास करती है, याद रहेगा। तो ये आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गुरु शिखर। क्या बताएगी? गुरु शिखर। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, लाठी सीरीज दोस्तों एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, जो पाकिस्तान से होकर निकलती है उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। चलिए अब कुछ नदियों से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो माही नदी के जो बाएं किनारे की जो सहायक नदी है वो दोस्तों है चाप नदी। कौन सी है? चाप नदी। ठीक है, माही नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है? चाप है। ठीक है, याद रहेगा। और दाएं किनारे से पूछ ले तो दाएं में ईरू आ जाएगा। ठीक है, ईरू के साथ साथ अनास आ जाएगा और जाखम आ जाएगा। ये अपने दाएं से मिलती है। ठीक है, और बाएं से सिर्फ चाप नदी मिलती है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के साथ करती है। जो बनास नदी है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण है वो अपने किस नदियों के साथ करती है, आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बेड़च और मेनाल। बेड़च और मेनाल नदियों के मिलने के बाद अपने बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। त्रिवेणी संगम के बारे में बात करें तो जैसे कि एक नदी यहां से आ गई, ठीक है, और एक नदी यहां से आ गई, ठीक है, और एक नदी इधर से आ गई, तो त्रिवेणी संगम हो गया दोस्तों, यानी कि तीन नदियों का मिलन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है
अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने बांसवाड़ा जिले की दोस्तों जो अनास नदी है, कौन सी अनास नदी, उसके ऊपर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। तो भीमलत जो जलप्रपात है वो कहां पे अवस्थित है। तो भीमलत जलप्रपात दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपनी मांगली नदी पर है। कहां पे है? मांगली नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंद्रवा के निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है। तो तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होने वाली नदियों की बात करें दोस्तों, हम तोरावाटी को दोस्तों शेखावाटी प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कांतली नदी अपने प्रभावित होती है। कौन सी? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी का बेसिन कहलाता है तोरावाटी। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं अपन झील से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों की। प्रश्न कह रहा है कि किस झील का निर्माण 1891 और 92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। तो इनमें से कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था 1891 92 के दौरान। दोस्तों वो है फाय सागर झील। कौन सी है? फाय सागर झील। ठीक है, ये फाय सागर झील कहां पे है? ये अपने अजमेर में है। कहां पे है? अजमेर में। ठीक है, इसका निर्माण सन 1891 और 92 में करवाया गया था। ठीक है, नगर परिषद अजमेर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकाल राहत कार्य हेतु। ठीक है, और किसके जल को रोककर पूछ ले, तो इस झील का निर्माण दोस्तों बांडी नदी। ठीक है, बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है। दोस्तों महिला बाग का जो जालरा है वो किसके पास स्थित है, तो वो है दोस्तों गुलाब सागर। गुलाब सागर कहां पे? जोधपुर। उसके पास स्थित है महिला बाग का जालरा। ठीक है, जो इसका निर्माण है दोस्तों, इसका महिला बाग के जालरे का निर्माण मारवाड़ के शासक विजय सिंह जी पासवान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गुलाब राय द्वारा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि मेवाड़ जो मारवाड़ जो शासक था विजय सिंह जी, उसकी पासवान थी गुलाब राय, उसके द्वारा 1776 कब करवाया गया था? 1776 में अपने गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया था, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि छपरवाड़ा की झील अपने जयपुर में है, बिल्कुल सही है। ताल छापर झील अपने कहां पे? चूरू में है, बिल्कुल सही है। और ताल छापर अभ्यारण भी चूरू में ही है। अगला बाल संबंध, क्या अपने राजसमंद में है? क्या बाल संबंध? दोस्तों बाल संबंध तो अपने कहां पे? जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में। तो यही अपना सही नहीं आ जाएगा। ठीक है, जोधपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और जयसमंद अपने उदयपुर में है। ठीक है, तो राइट आंसर अपने आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। ठीक है, देखिए अपन को पता पड़ गया कि राजसमंद झील अपने कहां पे है। राजसमंद जो झील है वो आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील कहां पे है, तो राजसमंद में। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण है वो महाराजा राज सिंह के द्वारा कब करवाया गया था। तो ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है ऑप्शन में कि 1680 AD, 1692 AD, 1631 AD और 1648 AD। तो इसमें पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, क्या बताओगे? जो राजसमंद झील है उसका निर्माण 1680 AD को करवाया गया था राज सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग माने तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। तो लेवा तालाब दोस्तों पूछ रहा है कि लेवा तालाब कहां पे है। तो लेवा तालाब दोस्तों अपने बारा जिले में है। कहां पे है? बारा जिले में है लेवा तालाब। ठीक है, बारा जिले में है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न दोस्तों कि नानेरा कह दीजिए या फिर नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। तो नानेरा या नवनेरा जो बांध है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, किस नदी पर चल रहा है। तो ये अपने बांध से संबंधित है, झील से संबंधित हमने देख लिए। मैं कुल 5-5 प्रश्न ले रहा हूं हर टॉपिक से संबंधित। यहां पे मैं 10 टॉपिक आपके सम्मिलित करने वाला हूं। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो क्या कह रहा है? वो अपने काली सिंध पर है। ठीक है, नवनेरा बोल लीजिए, फिर नानेरा बांध का निर्माण अपने काली सिंध पर चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों आपसे पूछ रहे किस जिले में है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था। तो बताइए कि बिसलपुर बांध का निर्माण है वो किस वर्ष में पूर्ण हुआ था। तो आपसे पूछ रहे, तो आपको बताना है 1999 में। कब हुआ था? 1999 में बिसलपुर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। और पूछ ले बिसलपुर बांध अपने कहां पे है, तो बिसलपुर बांध अपने टोंक में है। कहां पे है? टोंक, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध आपसे पूछ ले, राणा प्रताप सागर बांध आपसे पूछ रहे, तो आपको क्या बताना है? चित्तौड़गढ़। ये भी कहां पे? चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मेजा बांध कहां पे होगा दोस्तों? आप सबको पता है भीलवाड़ा में है मेजा बांध। कहां पे है? भीलवाड़ा में।
ठीक है। और मेजा बांध अपने कोठारी नदी के किनारे है, कहां पे? कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। और इससे अपने भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और इसका निर्माण है दोस्तों, मेजा बांध का निर्माण अपने कब करवाया गया था? मुझे याद है जहां तक 1958 में करवाया गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अपन किससे संबंधित, अब नहरों से संबंधित बात करते हैं, सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? लिफ्ट नहरें क्या होती है दोस्तों? जैसे कि ये नहर जा रही है, ठीक है, ये नहर जा रही है, तो नहर से दोस्तों कुछ नहरें और निकाली जाती है, जैसे ये निकाल दी, ये निकाल दी, ठीक है। और लिफ्ट नहरें भी होती है और एक शाखा, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के संदर्भ में बात करें तो इंदिरा गांधी नहर में है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसमें लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। और जो शाखाएं है ना, शाखाएं कितनी है? शाखाएं 9 है। कितनी है? 9, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 15.2%। कितना बताना है? 15.2% अपने राजस्थान की हिस्सेदारी है, ठीक है, भाखड़ा नांगल में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या कह रहा है उसको देख लीजिए कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जो जाखम परियोजना है वो अपने राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई प्रदान करती है? तो ये करती है दोस्तों, जाखम अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों को सिंचाई परियोजना वो करती है, लाभान्वित होते हैं इससे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो ईसरदा जो बांध परियोजना है दोस्तों ये अपने टोंक और सवाई माधोपुर जिले में ही क्या क्या किया गया है? निर्मित किया गया है ईसरदा बांध परियोजना, ठीक है, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए टोंक को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, टोंक को तो पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और सवाई माधोपुर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ईसरदा बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत है जो कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? यानी कि कुल बात यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई अपने किन चीजों से होती है? क्या नहरों से होती है? क्या नहीं? तालाब से होती है? नहीं। कुएं नलकूपों से? बिल्कुल, कुएं एवं नलकूपों से अपने लगभग बिना तो 90% सिंचाई होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कोपेन की, अब जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं, जलवायु से संबंधित प्रश्नों की। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी का अर्थ है अर्ध शुष्क जलवायु। तो अर्ध शुष्क जलवायु अपने दोस्तों बाड़मेर में पाई जाएगी, जालौर और जोधपुर जिलों में पाई जाएगी, ठीक है, जिसको हम कोपेन की भाषा में हम BSHW के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? BSHW के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक वर्षा वितरण की मतलब वितरण परिसर मतलब रेंज, ठीक है, इसको हम रेंज के नाम से बोल सकते हैं कि मतलब कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में बारिश होती है? तो ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सिरोही जिले में होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। वैसे आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो आपको बताना है झालावाड़, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए राजस्थान का सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो अपने झालावाड़ में होती है, लेकिन झालावाड़ में जो रेंज है वो कम है, रेंज मतलब क्षेत्रफल कम है, वहां पे जो बारिश होती है वो क्षेत्रफल के अनुसार कम होती है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वितरण के अनुसार पूछ लेना, वर्षा वितरण के अनुसार मतलब कि रेंज के अनुसार पूछे तो सिरोही आपको बताना है, ठीक है। और न्यूनतम वर्षा पूछ ले, न्यूनतम में दोस्तों जैसलमेर है, ठीक है, और रेंज में भी जैसलमेर है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए कि प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो राजस्थान में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है, तो कौन से भाग में पाया जाता है? तो AW दोस्तों, AW की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु तो अपने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाएगी, ठीक है, जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर का दक्षिण भाग भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा होती है ना दोस्तों वो 80 सेंटीमीटर होती है, 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ पे वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताइए? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है कि AW में क्या आपने सीकर चूरू आता है क्या? मैंने आपको शुरू में ही बताया था या फिर अभी हमने देखा था कि AW में कौन कौन से आते हैं, तो AW में सीकर और चूरू नहीं आते, ठीक है, सीकर और चूरू नहीं आते, इसमें ज्यादातर अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं, ठीक है।
और झालावाड़, ठीक है, ये जिले आते हैं। बीएसएचडब्ल्यू में बाड़मेर जालौर आते हैं, और बीईएचडब्ल्यू में जैसलमेर पश्चिम में बीकानेर भी आता है, ठीक है ठीक है। और सीडब्ल्यूजी में दोस्तों अपने अरावली का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भी आ जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, यानी कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश को, यानी कि कोपेन है दोस्तों, कोपेन एक क्या है, हम इसको मौसम वैज्ञानिक मान सकते हैं, ठीक है। इसने राजस्थान को यानी कि जलवायु के आधार पर बांटा है, ठीक है, जलवायु के आधार पर बांटा है, ठीक है, किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, ठीक है। लेकिन जलवायु प्रदेशों के आधार पर बांटा है, लेकिन इसका जो आधार था वो क्या था, वनस्पति था, वनस्पति के आधार पर बांटा है, या फिर वर्षा के आधार पर बांटा है, या फिर तापमान के, या फिर वायुदाब के आधार पर, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है इनने वनस्पति को लिया है अपने अंडर में, ठीक है। जहां पे जैसे शुष्क वनस्पति पाई जाएगी तो शुष्क अपने अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएगी, तो इस तरह उन्होंने बांटा है, ठीक है। चलिए अगला कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है, तो चलिए इसके बारे में बात अब कर लेते हैं। तो बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है, तो बांका पट्टी क्या होती है दोस्तों, बांका पट्टी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये फ्लोराइड की मात्रा से संबंधित है, किसी फ्लोराइड की मात्रा से संबंधित होती है बांका पट्टी, ठीक है। तो अपने राजस्थान के ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक है पानी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार प्रदेश में है, तो राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है, तो ऐसा आपसे पूछ ले तो किस प्रदेश में है दोस्तों मध्यम काली मिट्टी का विस्तार, तो यह है अपने दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में। अगला प्रश्न है मिट्टी से संबंधित है दोस्तों सारे प्रश्न, कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों, आपको बताना है क्या बताओगे, जल भराव, क्या बताओगे, जल भराव, जल भराव के कारण ही अपने उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा का मृदा उर्वरता में अवनयन होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, तो इंसेप्टिसोल्स मृदा दोस्तों अपने इंसेप्टिसोल्स का अर्थ है लाल मृदा, ठीक है, तो लाल मृदा अपने कहां पे पाई जाएगी, तो लाल मृदा दोस्तों अपने पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाएगी, ठीक है, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ठीक है, और सिरोही के साथ साथ आप राजसमंद भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि पीने के पानी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड अपने किन जिलों में देखने को मिलता है, तो ये अपने दोस्तों अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर जिलों में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो चलिए वन से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, तो सघन वन दोस्तों इसकी बात करें तो सघन वन अपने 2021 की बात करें तो 2021 में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, तो सघन वन है दोस्तों वो सर्वाधिक अपने किस में पाए जाएंगे, सघन वन की बात करें तो सघन वन दोस्तों देखिए सबसे पहले तो उदयपुर का नाम आता है, किसका नाम, उदयपुर का, सॉरी उदयपुर का नहीं, प्रतापगढ़ का, ठीक है, प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ के बाद अपने अलवर का आता है, लेकिन सघन वन की बात आ रही है तो सघन वन अपने ज्यादातर अपने अलवर में पाए जाएंगे, ठीक है, अलवर में। चलिए अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वनस्पति प्रजाति कौन से वनों में पाई जाती है, तो खेजड़ी जो वनस्पति है दोस्तों वो अपने किस कौन से वनों में ज्यादातर पाई जाती है, तो वो दोस्तों अपने उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाई जाती है, कौन से में, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाई जाती है अपनी खेजड़ी। इसके साथ अगला प्रश्न कि अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी शहीद मेला कब लगता है, तो अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी जो शहीद मेला है खेजड़ली वो अपने कब लगता है, तो ऐसा आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है भाद्रपद शुक्ल दशमी, कब बताना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को अपने अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाता है, हमेशा हर साल किया जाता है, और खेजड़ली गांव अपने जोधपुर में है। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वहां कौन से वन पाए जाते हैं, तो माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वहां पे दोस्तों कौन से प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो वहां पे अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे, कौन से, अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो जायका दोस्तों अपने राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार में काम करती है, ठीक है, जल क्षेत्र आजीविका सुधार में काम करती है जायका। जायका के बारे में बात करें तो जायका दोस्तों इसको JICA के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जायका की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे थे, आपको बताना है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, ठीक है, जबकि राजस्थान में वनीकरण, जैव विविधता, मृदा, जल संरक्षण, आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन वानिकी प्रथाओं के माध्यम से किए जा रहे कार्य में शामिल है जायका, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सीता माता वन्य जीव अभयारण राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो सीता माता दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रतापगढ़ में, कहां पे, प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है। तो आमागढ़ जो रिजर्व है दोस्तों, ये खबरों में था हाल ही में थोड़े दिन पहले। ये दोस्तों ये अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? लेपर्ड की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला कनक सागर एक है। कनक सागर दोस्तों एक क्या है? कनक सागर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पक्षी अभयारण्य है। कौन क्या है? पक्षी अभयारण्य है और अपने बूंदी जिले में। कहां पे है? बूंदी जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। दो प्रश्न और रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित अभयारण्य कौन सा नहीं है, इसमें से नहीं है कि बात करें तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपको पता है कि सीता माता अभयारण्य अपने है, ठीक है, शेरगढ़ है, रामसागर है, ठीक है, लेकिन मानस अभयारण्य अपने राजस्थान में नहीं है। मानस अपने असम में है। कहां पे? असम में। अगला और लास्ट प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ के बारे में आप सबको पता होगा कि शेरगढ़ अपने कहां पे है? तो शेरगढ़ अपने दोस्तों बारा में। कहां पे? बारा जिले में। ठीक है, तो बारा जिले में है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके लगभग कितने 50 प्रश्न जो आपके इंपोर्टेंट थे आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको ये कैसी लगी सीरीज? मैंने पहली बार ऐसी सीरीज बनाई है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।